नमस्कार दोस्तों, निफ्टी व्यू 17 नवंबर 2020 निफ्टी अनफोल्ड ऐसे ही हुआ जैसे हम चाहते थे और वैसे ही हुआ। मैं कह रहा था ना, एक दिन पहले लेना चाहिए निफ्टी को और मुहूर्त के दिन बेचना चाहिए। गैप अप ओपन मिलता है और गैप अप ओपन मिला और बहुत बढ़िया मिला। सिंपल है, 12600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये बरकरार है तब तक ट्रेंड इंटेक्ट है, स्ट्रेच है लेकिन बरकरार है। हमारा जो टेक्निकल टारगेट जो है वो करीब 13107 का है, वो मेरे ख्याल से बरकरार है, वहाँ तक जाना चाहिए। हो सकता है एक दो चार दिन लगे लेकिन वहाँ एक टारगेट है। रही बात इंटरनल, दिखते हैं इंटरनल का हाल क्या है निफ्टी इंटरनल का। वेल, निफ्टी इंटरनल मेरे हिसाब से 12650 और 12750 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर डिप्स मिलती है उस जोन पे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, 12600 का स्टॉप लगाना चाहिए। एक अपूर्ण मिलेगा आते दिनों में लगता है, कहीं पर भी वीकनेस फिलहाल नज़र नहीं आती निफ्टी में। रही बात निफ्टी बैंक की, यहाँ पर भी जो ट्रेंड है स्टिल इंटैक्ट है। 28000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ऑन द अपसाइड जो हमारा टारगेट पहले भी काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ 29233, वो अब भी वैलिड है। निफ्टी बैंक इंटरनल देखें क्या हाल है। वेल, निफ्टी बैंक इंटरनल देखा जाए तो 28000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा डिप मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन बिप मिलेगा तो मौका रहेगा खरीदने का। अगर कब मिलेगा, मंडे को डाओ फ्यूचर्स खुलेंगे, क्या होगा उनका पता नहीं। डाओ कैसे करता है, अमेरिकन मार्केट्स कहते हैं, बाइडन साहब क्या करते हैं, ट्रंप क्या करते हैं, हमको पता नहीं। नहीं हमको उससे मतलब है, हमको तो सिर्फ हमारे पॉइंट से ट्रेड करने हैं बस। इसलिए मैं कहता हूँ ना, भाव भगवान है।